गुड मॉर्निंग. नेक्स्ट वी डिस्कस द एग्जाम्पल 9th इन फूरियर ट्रांसपोर्ट. वी कंप्लीट इन प्रीवियस वीडियो फ्रॉम एग्जाम्पल 1 to 8. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है. फाइंड फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/(1+x²) एंड हैंस फाइंड फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ (x)/(1+x²). इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है. अच्छे से करेंगे सभी स्टूडेंट्स. ठीक है, ये 9th एग्जाम्पल और ये इसका सॉल्यूशन. ठीक है, ये यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है. फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ (x)/(1+x²) सेकेंड जो पार्ट है ये इसके इक्वल हो जाएगा. ठीक है, तो ये यहाँ पर एग्जाम्पल कंप्लीट हो जाता है. √π/2e⁻²। देखो, सबसे फर्स्ट इसको सॉल्व करने के लिए फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/(1+x²) फाइंड आउट करना है. ठीक है, सबसे फर्स्ट इसको डिफाइन करूँ तो बाय डेफिनेशन ऑफ फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म वी हैव अंडर द रूट ऑफ 2/(0 to ∞) क्या होता है, fx(cos px dx). ठीक है, fx क्या है यहाँ पर, 1/(1+x²cos px dx). सबसे फर्स्ट सपोज करो इसको आई, कि ये इंटीग्रल किसके इक्वल है, आई के इक्वल है. इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो यहाँ से आई इक्वल टू दिस टर्म. इन नेक्स्ट स्टेप वी डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू पी फॉर इक्वेशन फर्स्ट. कैसे करोगे डिफ्रेंसिएशन, आई को डिफ्रेंशिएट करोगे पी के रिस्पेक्ट में, dI/dP. ठीक है, पी के रिस्पेक्ट में करना है, मीन्स इस टर्म का होगा ओनली डिफ्रेंशिएशन. कोस पी एक्स का क्या होगा, -sin px. तो माइनस अंडर द रूट ऑफ 2/(π) एच इट इज, ये लिमिट्स एच इट इज, ये हो जाएगा पी के रिस्पेक्ट में करना है तो ये एक्स. ठीक है, -x(sin px)/(1+x²dx). नेक्स्ट इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए देखो, सबसे फर्स्ट तो इसको x से इंटू और x से डिवाइड किया. ठीक है, तो x²+1 करो और -1 करो, ये एज इट इज रहने दो. sin px dx 0 to ∞, माइनस अंडर द रूट ऑफ 2/(π). वन अपॉन एक्स को एज इट इज लो. ठीक है, 1/(x) और x²+1 -1, इस टर्म को, इसको एक साथ ले लो, इसको एक साथ ले लो और इससे डिवाइड करो तो ये तो हो जाएगा 1 -1/(1+x²)sin px dx. ठीक है, टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा. नेक्स्ट स्टेप में देखो, एक टर्म तो यहाँ से आ जाएगी, 1/(x) इससे मल्टीप्लाई होगा और एक 1/(x) इससे मल्टीप्लाई होगा, तो इसको एक टर्म तो अपना आएगा -√2/(0 to ∞)sin px/x dx. -±√2/(0 to ∞). यहाँ से देखो टर्म्स आएंगी, sin px/(x)(1+x²dx). ठीक है, यहाँ से 0 to ∞ sin px/x dx. इसके सॉल्यूशन के लिए जनरल फार्मूला इससे प्रीवियस वीडियो में बताया था, क्या क्या वैल्यूज होती हैं इसकी, π/2 और 0. ठीक है, क्या फॉर्मूला था देखो, उसमें बताया था, देखो ये इसका वैल्यू बताया था π/2 और -π/2 व्हेन p इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड p इज लेस देन 0.
ठीक है, ये वैल्यूज़ बताई थी। अब देखो इसमें पी पर कोई कंडीशन गिवन नहीं है, ठीक है, क्वेश्चन में भी कुछ ऐसा गिवन नहीं है, तो यहाँ पर पी ग्रेटर देन जीरो भी हो सकता है, लेस देन जीरो भी हो सकता है, ठीक है। ओनली डिफ्रेंसिएशन किया है पी के रेस्पेक्ट में, बाकी इसमें कहीं पी के लिए कुछ मेंशन नहीं है। तो ये लिमिट भी अब यहाँ पर कहें कि जीरो टू इनफाइनाइट है तो ग्रेटर देन जीरो है, बट ये एक्स की लिमिट्स हैं, एक्स के लिए एक्स की लिमिट्स हैं जीरो टू इनफाइनाइट। तो इसमें पी इज ग्रेटर देन जीरो के लिए वैल्यू पाई बाई टू है ना, और सॉरी पी इज लेस देन जीरो के लिए माइनस पाई बाई टू वैल्यू है, ठीक है। तो पाई बाई टू लें या माइनस पाई बाई टू लें, इसके अलावा तो कुछ वैल्यू होगी नहीं, ठीक है, या तो पाई बाई टू या माइनस पाई बाई टू। तो कोई सा भी केस ले लो, ये नेक्स्ट टर्म में जीरो हो जाएगा क्योंकि ये डी आई अपॉन डी पी की वैल्यू आ रही है। नेक्स्ट अगेन डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू पी, इसको वन टाइम और डिफ्रेंसिएशन करोगे पी के रिस्पेक्ट में, तो ये कॉन्स्टेंट टर्म होगी अंडर रूट टू अपॉन पाई इंटू पाई बाई टू और माइनस पाई बाई टू। तो उस केस में इस टर्म का डिफ्रेंसिएशन पी के रिस्पेक्ट में जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो चाहे पाई बाई टू लो या माइनस पाई बाई टू लो, फिर जो भी ले रहे हो उसका कंडीशन मेंशन करनी है कि यहाँ पर लेट अस वी टेक पी इज ग्रेटर देन जीरो और पी इज लेस देन जीरो, ठीक है। तो इनटू ये पाई बाई टू कि सपोज कर रहा है कि यहाँ पर कि पी ग्रेटर देन जीरो है और उस केस में ग्रेटर देन जीरो होगा, देन दिस इंटीग्रल विल बी इक्वल टू पाई बाई टू। इस टर्म को एज इट इज रहना दो, इक्वेशन मार्क करो। नेक्स्ट सेकेंड, फर्स्ट इक्वेशन ये थी, सेकेंड इक्वेशन ये हो गई। अगेन डिफ्रेंसिएशन विद रेस्पेक्ट टू पी, क्या क्या टर्म्स आएंगे, डी टू आई अपॉन डी पी स्क्वायर, ठीक है, जीरो हो गया इस टर्म का पी के रिस्पेक्ट में, और इसको करो प्लस अंडर रूट टू अपॉन पाई जीरो टू इनफाइनाइट, साइन पी एक्स का हो जाएगा कोस पी एक्स इंटू एक्स अपॉन एक्स इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर, इस एक्स से एक्स कैंसिल हो गया और ये डी एक्स। ये यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है अंडर रूट टू अपॉन पाई जीरो टू इनफाइनाइट कोस पी एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, यही टर्म आ रहा है, और ये टर्म किसके इक्वल है, आई के इक्वल। तो इसको आई पुट कर दो नेक्स्ट स्टेप में, इट इम्प्लाइज डी टू आई अपॉन डी पी स्क्वायर इक्वल टू आई हो जाएगा, इधर ले लो डी टू माइनस वन इंटू आई इक्वल टू जीरो, वेयर डी इक्वल टू डी अपॉन डी पी, ठीक है। डी किसको, कैपिटल डी किसको रिप्रेजेंट कर रहे हो, डी अपॉन डी पी को, डी टू माइनस वन इंटू आई, आई कॉमन आ रहा है, ठीक है। ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है विद कॉन्स्टेंट कोफिशियंट्स, इसका कोफिशियंट जो है कॉन्स्टेंट है, तो दिस इज द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन विद कॉन्स्टेंट कोफिशियंट। तो इनको सॉल्यूशन करना आप लोगों को अच्छे से आता है, कैसे सॉल्व करते हो इनको, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, इसका जो सॉल्यूशन होगा, इसका सॉल्यूशन मीन्स किसकी वैल्यू फाइंड आउट होगी, आई की। तो आई इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए इधर देखते हो कि क्यू की वैल्यू क्या है, तो यहाँ तो जीरो है, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल विल बी इक्वल टू जीरो। ओनली कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड आउट करना है, उसके लिए ऑक्जिलरी इक्वेशन फाइंड आउट करोगे। ऑक्जिलरी इक्वेशन के लिए क्या करते हो, डी को एम से रिप्रेजेंट करते हो, रिप्लेस करते हो सॉरी, तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू जीरो, देन एम इक्वल टू प्लस माइनस वन, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग देखो कैसे सॉल्व करोगे इसको। तो ये इक्वेशंस सेकंड ईयर में आप लोगों ने डिटेल में काफ़ी इसको सॉल्यूशंस किए हुए हैं। तो ऑक्जिलरी इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के ये सबसे फर्स्ट ऑक्जिलरी इक्वेशन फाइंड आउट करो, इससे एम की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। अब ये दोनों रियल वैल्यूज हैं, तो रियल वैल्यूज हैं तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या हो जाएगा, सो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इक्वल टू कोई भी कॉन्स्टेंट लोगे, ई रेस टू द पावर पी प्लस बी इंटू ई रेस टू द पावर, सेकेंड वैल्यू माइनस वन है तो ये हो जाएगा माइनस पी। तो ये मेथड से यदि रिवाइज करने हो एक बार तो सेकेंड ईयर की बुक में
रिवाइज कर लेना सभी। इसके अकॉर्डिंग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ये हो गया, ठीक है। पर्टिकुलर इंटीग्रल विल बी इक्वल टू जीरो बिकॉज क्यू इक्वल टू जीरो। जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? सो द जनरल सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड इज क्या कॉमन था? आई। तो आई इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, ये हो जाएगा ए ई रेस टू द पावर पी प्लस बी ई रेस टू द पावर माइनस पी। ये हो गया, आई की वैल्यू ये आ गई। अब इसमें अब जो भी कॉन्स्टेंट है इनकी वैल्यू फाइंड आउट करोगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे? ए और बी फाइंड आउट करने हैं अपने को। तो इसीलिए इसमें सबसे फर्स्ट उसको आई सपोज किया था और फिर उसके नेक्स्ट डी आई अपॉन डी पी फाइंड आउट किया और डी टू आई अपॉन डी पी स्क्वायर, जिसके अकॉर्डिंग ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्रिएट हो गई और उससे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करते हुए आई इक्वल टू ये आ गया अपना। अब इसमें इन कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू फाइंड आउट करो, इक्वेशन ले लो नेक्स्ट फर्स्ट सेकेंड और नेक्स्ट थर्ड ले लो, ठीक है। डी आई अपॉन डी पी इक्वल टू ए ई रेस टू द पावर पी माइनस बी ई रेस टू द पावर माइनस पी, इक्वेशन थर्ड, और ये हो गया इक्वेशन नंबर फोर्थ। हम देखो इन कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आई इक्वेशन फर्स्ट में आई ये है अपना, ठीक है। इक्वेशन सेकंड में डी आई अपॉन डी पी की वैल्यू ये है, ठीक है। तो यहाँ से आई और ये डी आई अपॉन डी पी सेकेंड इक्वेशन में, ठीक है। ये आई हो गया, आई इक्वल टू ये थर्ड इक्वेशन, और यहाँ से डी आई अपॉन डी पी ये हो गया, ठीक है। अब इसमें पुट करो पी इक्वल टू जीरो, इन दोनों इक्वेशंस में पुट करो और फर्स्ट और सेकेंड में पुट करेंगे पी इक्वल टू जीरो। इसमें पी इक्वल टू जीरो लोगे तो आई इक्वल टू ये वन हो जाएगा पी इक्वल टू जीरो से, तो अंडर रूट टू अपॉन पाई जीरो टू इनफाइनाइट वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। इस इंटीग्रेशन को इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो पी इक्वल टू जीरो पुट किस किस में करोगे? आई इसमें इक्वेशन नंबर फर्स्ट में और सेकंड में, ठीक है। साइन जीरो हो जाएगा, ये साइन जीरो जीरो, तो ये टर्म जीरो हो जाएगा, ओनली ये टर्म रहेगा। तो यहाँ पर ये इसका जो वैल्यू है वो पी इज ग्रेटर देन जीरो एज्यूम करते हुए पुट करना है, ठीक है, ताकि नेक्स्ट आगे जो सॉल्यूशन है वो इजीली सॉल्व कर सको। तो सिंपल इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड में पी इक्वल टू जीरो पुट करेंगे और फिर थर्ड और फोर्थ में पुट करेंगे और उससे देखो इजीली ए और बी कॉन्स्टेंट फाइंड आउट हो जाएंगे। ये पुट कर दिया, सिंपल इंटीग्रेशन टेन इनवर्स एक्स हो गया इसका, लिमिट जीरो टू इनफाइनाइट है तो ये पाई बाई टू माइनस जीरो ये हो गया, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन में पुट करोगे ये अंडर माइनस अंडर रूट पाई अपॉन टू। Now third and fourth, now from third and fourth put करो इनमें p equal to जीरो, तो a plus b equal to i, ठीक है। i की वैल्यू यहाँ से पुट कर दो अंडर रूट पाई अपॉन टू, इसमें पुट करो तो ये भी हो जाएगा a, यहाँ से देखो ये a माइनस b इक्वल टू माइनस अंडर रूट पाई अपॉन टू, ठीक है। डी आई अपॉन डी पी ये है तो इन इसको पुट कर दो यहाँ पे, ये इक्वेशंस आ गई। अब ए प्लस बी इक्वल टू ये है और ए माइनस बी इक्वल टू ये है, ठीक है। तो इजीली इनसे ए और बी फाइंड आउट कर सकते हो, ऐड कर लो। ऐड करोगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो ऐड करोगे तो ए तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। सॉल्यूशन टू सॉल्व दीज इक्वेशंस वी गेट ए इक्वल टू जीरो, और इनको माइनस करोगे तो माइनस करोगे तो ये माइनस हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और ये ट्वाइस बी इक्वल टू टू अंडर रूट पाई अपॉन टू, ठीक है। तो यहाँ से बी की वैल्यू क्या आ जाएगी? अंडर रूट पाई अपॉन टू फाइंड आउट हो गए कॉन्स्टेंट ए और बी, पुट कर दो थर्ड इक्वेशन में फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। थर्ड में पुट करेंगे आई इक्वल टू ए की वैल्यू पुट करो, ए ये जीरो हो जाएगा और बी है अपना अंडर रूट पाई अपॉन टू
ई रेज टू द पावर माइनस पी, ये आई की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट हो गई. थर्ड फोर्थ एंड इक्वेशन नंबर फिफ्थ. तो आई का वैल्यू फाइंड आउट हो गई. इक्वेशन फर्स्ट पे, इक्वेशन फर्स्ट जो थी अपनी, उसमें क्या था, फ्रॉम फर्स्ट फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/(1+x²) इक्वल टू, इसको डिफाइन किया था और उस टर्म को आई के इक्वल सपोज किया था, ठीक है. और आई की वैल्यू क्या फाइंड आउट हुई है, ये, इसलिए इसको ये सब प्रोसेस सॉल्व किया था. तो इस आई की वैल्यू वहां पर पुट कर दो, तो ये अंडर द रूट ऑफ पाई अपॉन 2 ई रेस टू द पावर माइनस पी. तो ये इस फंक्शन के फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म की वैल्यू इसके इक्वल फाइंड आउट हो गई. देखो इसको, इक्वेशन फर्स्ट में ये टर्म था, ये जिसके इक्वल था, डिफाइन किया था इसको इस तरह से, अंडर द रूट ऑफ 2/(0 to ∞), और ये फंक्शन एज इट इज 1/(1+x²), ये तो एज इट इज हो गया, और इसके अकॉर्डिंग कोस पी एक्स था डी एक्स, ठीक है. इसको ये आई था और उस आई की वैल्यू ये पुट करी थी, ठीक है. तो इसको इस पूरे फॉर्म में ले लो, ये इसके इक्वल है और ये आई के इक्वल था, तो आई की वैल्यू यहाँ पे पुट करी, तो ये इसका आंसर अंडर द रूट ऑफ पाई अपॉन 2 ई रेस टू द पावर माइनस पी, ठीक है. अब नेक्स्ट डिडक्शन पार्ट हो रहा है, उससे प्रूव करना है फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स अपॉन 1+x². तो उसके लिए सिंपल इसको डिफ्रेंशिएट कर दो पी के रिस्पेक्ट में, ठीक है. डिफ्रेंशिएशन ऑफ इक्वेशन, ये नेक्स्ट ले लो सिक्स्थ, इक्वेशन नंबर सिक्स्थ, डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू पी फ्रॉम इक्वेशन सिक्स्थ. एक्स को पी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करोगे, देन वी गेट द डिडक्शन पार्ट. डिफ्रेंशिएशन करोगे कोस पी एक्स का, तो माइनस साइन पी एक्स इंटू एक्स, ठीक है. इस माइनस, तो ये इस फॉर्म में आ गया माइनस अंडर द रूट ऑफ 2/(0 to ∞) एक्स अपॉन 1+x² इंटू साइन पी एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस अंडर द रूट ऑफ पाई अपॉन 2 ई रेस टू द पावर माइनस पी, ठीक है. माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में, और यहाँ से फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स अपॉन 1+x² इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ पाई अपॉन 2 ई रेस टू द पावर माइनस पी. तो फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म और फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म, इन दोनों टर्म्स का जो वैल्यू है वो सेम आ रहा है, मीन्स दोनों का आंसर सेम है, ये फंक्शन डिफरेंट डिफरेंट है. तो ये यहाँ पर क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो गया, एग्जांपल नाइन्थ कंप्लीट हो गया, इसको कंप्लीट सॉल्व करोगे सभी.